क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। कहाँ से हुए आप? हमारा घर हुआ टुंगीदगी। अच्छा। हम करण थाना करणदगी है, जिला उत्तर दिनाजपुर। हम प्रधानमंत्री को एक ही बात कहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम का बिना वोटे नहीं होता है। कहीं भी जाइए, हिंदू मुस्लिम कोई बेरोजगार रोजगारी का बातें नहीं करता है। हम यहाँ जब रहते थे आज से 6 साल पहले, हम छोटा थे लेकिन हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ में रहते थे। अब हिंदू बस्ती में चला जाइए, मुस्लिम बोल के घृणा करता है, मुस्लिम बस्ती में चला जाइए हिंदू बोल के घृणा करता है, यह पहले नहीं था। इसलिए हम प्रधानमंत्री का बोलना चाहते हैं, आप बोलते हैं बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है, लेकिन पहले ये कभी भी हम देखा नहीं। हम थोड़ा बहुत बिजनेस करते हैं, लेकिन अभी कहीं भी चला जाइए, हिंदू मुस्लिम एक इसका बिना कोई वोटे नहीं होता है। तो हम बोलना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम छोड़ के आप थोड़ा बेरोजगारी, अब जो लॉकडाउन हुआ किसी के पास पैसा नहीं है। पहले हम 10,000-12,000 रुपये दुकानदारी करते थे, अभी 2,000-3,000 रुपये हो रहा है, किसी के घर में खाना नहीं मिल रहा है। अभी ममता दीदी क्या कर रहा है, उसमें फ्री में 7 किलो का चावल देता है, गेहूँ देता है, आटा देता है। ये सब रोजगार के बात कीजिएगा, थोड़ा GDP बढ़ा, ऐसे काम कीजिएगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम यही NRC CA अब मुस्लिम का एक किनारा कर दिया, बोल रहा है मुस्लिम कोई वोट नहीं देता। हम पहले उसको वोट दिए थे, क्योंकि क्यों वोट दिए थे? पहले बार हम BJP को वोट दिए थे 2014 में। अच्छा। उसके इसलिए वोट दिए थे जो कांग्रेस जो था वो बहुत घोटाला कर रहा है, ये BJP आएगा तो घोटाला नहीं करेगा। वो बोल रहा है हम चाय वाला है, चाय बेच के खाते हैं, हमारा बीवी वाला बच्चा कुछ नहीं है, तो वो तो ज़्यादा घोटाला कर रहा है। अभी यही हमको कहना है। क्या करते हैं आप? हम व्यवसाय करते हैं। किस चीज़ का व्यवसाय? और कपड़ा का दुकान करते हैं। हाँ, यही रास्ता कुआ हटिया में जाते हैं, लेकिन पहले बहुत दुकानदारी हो रहा था, अभी कुछ नहीं हो रहा। लोग आदमी के पास पैसा रहेगा तभी ना खरीदेगा।